हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी के स्टॉक्स को फ्री में कैसे स्कैन करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपके लिए यूज करना होगा ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का। आप यहां पर देखोगे कि मैंने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को ओपन कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है जिसमें मूविंग एवरेज को ऐड कर रखा है। सबसे पहले हम इस मूविंग एवरेज को करते हैं हाइड और हम इस चार्ट में करेंगे बोलिंजर बैंड को ऐड। तो बोलिंजर बैंड को ऐड करने के लिए आप आओगे इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पे। आपके लिए यहाँ पर इंडिकेटर्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर सर्च करेंगे बोलिंजर बैंड, इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारे चार्ट में बोलिंजर बैंड ऐड हो चुका है। ये अभी इस तरह का दिख रहा है, हम इसमें कुछ करेंगे चेंजेज। ये जो आपके लिए ये लाइन दिख रही है नीचे वाली, इसको बोलते हैं लोअर बैंड। ये वाली जो पीली कलर की लाइन दिख रही है आपके लिए, इसको बोलते हैं मिडिल बैंड, और ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं अपर बैंड। सबसे पहले हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर आओगे बोलिंजर बैंड्स की सेटिंग में, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसकी बेसिक सेटिंग में स्टाइल में आकर इसमें चेंजेस कर सकते हो। हमारे लिए लोअर बैंड चाहिए और हमारे लिए चाहिए अपर बैंड, और हम इन सब को क्या करते हैं, मिडिल बैंड को कर देंगे हाइड और बैकग्राउंड को भी कर देते हैं यहाँ से हाइड, और अपर बैंड का कलर चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं थोड़ा सा डार्क। तो मैं इसका कलर करता हूँ यहाँ से ब्लैक और इसकी थिकनेस करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा, और लोअर बैंड का कलर कर देते हैं यहाँ से रेड और इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे चार्ट में बोलिंजर बैंड्स ऐड हो चुका है। इसमें एक लोअर बैंड है और एक अपर बैंड। अगर आपके लिए अपने चार्ट पर RSI को भी ऐड करना है तो आप RSI को भी ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने RSI को ऐड कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये RSI ऐड है। RSI को आप सेम ऐड करोगे, इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और आप यहाँ पर सर्च करोगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर RSI ऐड हो जाएगा। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप किसकी सेटिंग पे क्लिक करोगे, अपर बैंड चाहिए या लोअर बैंड चाहिए, मिडिल बैंड चाहिए। मैं सबको यहाँ पे रखा है, अलग अलग कलर में रखा है 30, 40 और 60। 40, 60 का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 60 की लाइन है और 40 की है। 30 की लाइन को भी रखा है जो कि रेड कलर में है। अगर आपके लिए बोलिंजर बैंड्स और RSI दोनों को यूज करना है तो आप दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम स्टॉक्स को यहाँ पर स्कैन कैसे करेंगे। स्कैन करने के लिए आपको पब्लिश वाला यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, इसके राइट में आता है वॉच लिस्ट का ऑप्शन। आप इस वॉच लिस्ट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप चाहो जितने भी स्टॉक्स की यहाँ पर वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में यहाँ पर स्कैन करूँगा तो निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स आते हैं उन सबको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या आप चाहो तो निफ्टी 100 के स्टॉक्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और अगर आप चाहो कि निफ्टी 200 एंड निफ्टी 500 के स्टॉक्स को ऐड करना है तो आप इस वॉच लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने निफ्टी 200 के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सबको यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। मैं आपके लिए एक स्टॉक्स को यहाँ पर ऐड करके भी दिखा देता हूँ कि आप ऐड करोगे कैसे। तो यहाँ पर एक प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस प्लस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब जिस भी स्टॉक्स को यहाँ पर आपके लिए ऐड करना है, जैसे मैं आपके लिए ऐड करके दिखाता हूँ ACC पे क्लिक किया, और देखो अगर आपके लिए BSE का ऐड करना है यहाँ पर ACC NSE का स्टॉक्स है, किस पर है, NSE एक्सचेंज पर है, और अगर आपके लिए BSE का ऐड करना है तो आप यहाँ पर BSE लिखा देख सकते हो। तो मैं NSE एक्सचेंज के ACC लिमिटेड को यहाँ पर प्लस के आइकन पे ऐड टू वॉच लिस्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया आप यहाँ पर देखोगे, क्रॉस करके दिखाता हूँ, ACC यहाँ पर ऐड हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर ACC का चार्ट ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, और बोलिंजर बैंड्स भी ऐड है और RSI भी यहाँ पर ऐड है। अब आपके लिए जितने भी स्टॉक्स को यहाँ पर ऐड करना है उन स्टॉक्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एक के बाद ACC को किया, अब मैं आपके लिए यहाँ पर और कोई करके दिखा देता हूँ, सन फार्मा के स्टॉक्स को ऐड करके दिखाता हूँ, अगर ऐड नहीं होगा मेरे स्टॉक्स में पहले से। सन फार्मास्यूटिकल, यहाँ पर NSE है, यहाँ पर इसको ऐड नहीं किया है, तो हम इसको भी ऐड टू वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे
और आप यहाँ पर देखोगे सन फार्मा का भी यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। आप यहाँ से इसमें RSI भी ऐड है और बोलिंजर बैंड्स भी ऐड है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि जो बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी है उसके स्टॉक्स को स्कैन कैसे करेंगे। तो स्कैन करने के लिए यहाँ पर आप वॉच लिस्ट में आपके जितने भी स्टॉक्स हैं 50 होंगे या 100 होंगे या 200 होंगे, जितने भी स्टॉक्स को आपने यहाँ पर ऐड कर रखा है वो आपके लिए कहाँ पर शो होंगे, वॉच लिस्ट में। अब हम देखते हैं कि हम इनको स्कैन कैसे करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे टॉप पर और जो हमारा पहला स्टॉक्स है मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टॉक्स ऐड हैं, इस पर क्लिक किया जो आपके लिए स्टॉक्स दिखेगा किसका, टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का स्टॉक्स है डेली टाइम फ्रेम में। अगर आपके लिए डेली टाइम फ्रेम में स्कैन करना है तो आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम कर सकते हो। अगर 4 घंटे की कैंडल में आपके लिए स्कैन करना है या आपके लिए 1 घंटे की कैंडल में स्कैन करना है तो आप उस पर क्लिक करके और जो आपका डाउन एरो वाला ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करोगे तो एक के बाद एक आपका चार्ट ओपन होता जाएगा और आप देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक्स आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर रहा है। मैं आपके लिए दिखाता हूँ, जैसे ये टाटा मोटर्स का है तो इसमें हमारे लिए कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा स्टॉक्स ओपन होगा। ये देखिए किसका, ए आप यहाँ से देख सकते हो टाटा स्टील का चार्ट है, इसमें आपके लिए प्रॉपर ट्रेड यहाँ पर मिला था। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो आपके लिए यहाँ पर ट्रेड मिला डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आपके लिए ट्रेड कम ही मिलेंगे पर ट्रेड मिलते हैं। एक ट्रेड आपके लिए यहाँ पर मिला और स्टॉक यहाँ तक गया। आपका जो टारगेट होगा इस कैंडल का 1:2 या 1:3 भी यहाँ पर अचीव हो गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो अभी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है। हम दूसरा दोबारा डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, दूसरा स्टॉक्स खुलते हैं। दोस्तों ये चार्ट है टाटा एलेक्सी का, इसमें हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं है तो हम दूसरा चार्ट ओपन करेंगे। यहाँ पर एक चार्ट है टाटा पावर का, इसमें भी अभी कोई ट्रेड नहीं है तो हम फिर से डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और आप इस तरीके से डाउन एरो पे क्लिक करके एक के बाद एक स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो। अभी जो हमने ACC को ऐड किया है मैं उस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपके लिए। आप यहाँ पर देखो कि जो ACC का चार्ट है वो रेगुलर डाउन में ट्रेंड में था। यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बनाई जो कि लोअर बैंड के नीचे थी और इसने दोबारा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई जो कि लोअर बैंड के अंदर थी। यही स्ट्रेटजी है कि जब लोअर बैंड के एक कैंडल होनी चाहिए हमारी क्या लोअर बैंड के बाहर और एक होनी चाहिए लोअर बैंड के ग्रीन कैंडल अंदर। आप यहाँ पर अगर ट्रेड लेते तो ये देखिए किस तरीके से शॉर्ट है पर यहाँ पर प्रॉपर ट्रेड मिला था, आप यहाँ से देख सकते हो और स्टॉक यहाँ तक गया। अभी अगर हम इस तरीके से देखें कि अगर हम यहाँ पर लेना चाहें, ये भी लगभग सेम ही है, ये भी लोअर बैंड के अंदर है तो ये अपर बैंड को यहाँ पर टच कर चुका है। अगर ये यहाँ पर अपर बैंड को टच नहीं किया होता तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रेड अपर बैंड को टच करके नीचे आया तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक आपके लिए प्रॉपर ट्रेड ना मिले तब तक कोई भी ट्रेड ना दें। दोस्तों इस तरीके से आप बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी और RSI को भी यहाँ पर देखोगे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ RSI यहाँ पर कितने पर है, 30 पर, इस वाले कैंडल पर 30 पर है जबकि प्राइस वहीं पर है। यहाँ पर RSI कहाँ पर आ चुका है, 30 से ऊपर 40 पर ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो RSI तो इसको क्या बोलते हैं, RSI डाइवर्जेंस, कि प्राइस वहीं पर है और RSI क्या हो रहा है, अब हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी है और उसको RSI के साथ यूज करके आप एक के बाद एक स्टॉक्स को फ्री में बिना किसी सॉफ्टवेयर को परचेज किए हुए आप क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके लिए आना है यहाँ पर और यहाँ पर अपनी क्रिएट करनी है एक वॉच लिस्ट। आप जितने भी स्टॉक्स को आपके लिए स्कैन करना है उन सारे स्टॉक्स की यहाँ पर आप करोगे वॉच लिस्ट क्रिएट और एक के बाद एक करके स्टॉक्स को क्या कर सकते हो, स्कैन। यहाँ पर आपके लिए स्कैन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम टाइम में ही आपका स्कैन हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चाहते हो कि किसी भी स्टॉक्स की हम बैक टेस्टिंग वाली वीडियो बनाएं, कमेंट में आप बैक टेस्टिंग लिखें तो हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में जितनी बार भी बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी पर स्टॉक्स मिले होंगे उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे और कितनी बार हमारा प्रॉफिट हुआ और कितनी बार लॉस हुआ उसको भी हम उसी वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।